वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के मैट शो के ऊपर हमें यहां पर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा शो पर देखने को मिले, जहां पर आज ओकाडा ऑफिशियली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर उनका इन रिंग डेब्यू करते गए। और गाइज, AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें ओकाडा एंड ऑरेंज कैसिडी वर्सेस ब्रायन एंडरसन और क्लॉडियो कास्टागनोली के बीच में नॉर्मल टैग मैच देखने को मिला, जहां पर इन दोनों की आज इस मैच के ओपनिंग के ऊपर ब्रायन एंडरसन और क्लॉडियो इस मैच को ओपन करते गए, जहां पर इन दोनों के हीटेड एक्सचेंज के बाद फाइनली इस मैच के अंदर द रेन मेकर ओकाडा टैग करके अंदर आते गए, जो यहां पर उनका स्लाइडिंग एल्बो ड्रॉप हिट करते हुए क्लॉडियो को रिंग के बाहर कर देते गए। और इसके बाद ओकाडा और ब्रायन के बीच में हमें यहां पर फेस ऑफ देखने को मिलता है, जिसके बाद कि आज इस मैच के अंदर ओकाडा के पूरे मैच के दौरान होली सीट के चैंटेड होते गए। और एक बार जब ब्रायन और ओकाडा रिंग में आमने सामने होते गए तो गाइस क्राउड फिलाडेल्फिया में पूरी तरह से पागल हो जाती गए, जहां पर ओकाडा और ब्रायन के हीटेड एक्सचेंज के बाद फाइनली आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर काफी शॉकिंग एंड देखने को मिलता है, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन एंडरसन आज टॉप रोप से ड्रॉप किक हिट करते गए। तो गाइस, वहीं ओकाडा की तरफ से हमें यहां पर रिप कॉर्ड देखने को मिलता है। और गाइस, इसके बाद मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज कैसिडी गलती से ओकाडा के ऊपर रेन मेकर ओकाडा के ऊपर ऑरेंज पंच हिट कर देते गए, जिसके बाद के मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ओकाडा यहां पर बैक टू बैक अपर कट हिट करते गए। बट गाइस, तभी यहां पर क्लॉडियो रिंग में आके इस मैच के एंडिंग पर ओकाडा को रिंग से बाहर फेंक देते गए और क्लॉडियो ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपर कट हिट करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस, कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ओकाडा को डायनामाइट के डेब्यू पर हार का सामना करना पड़ता है। बट गाइस, मैच के ओवर होने के बाद AEW की कमेंट्री टीम ये कहती गई कि ब्रायन एंडरसन के रेन मेकर और ऑरेंज पंच दोनों फिनिशर की वजह से ब्रायन मैच के अंदर इंजर्ड हो चुके गए। और इसके मैच के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली, व्हीलर यूता, बेस्ट फ्रेंड क्रिस स्टैटलैंडर सहित काफी सारे लोग रिंग के अंदर आके ब्रायन एंडरसन को चेक कर रहे होते गए। और गाइस, AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर AEW ने ब्रायन के इंजर्ड होने की स्टोरी लाइन बना दी गई,